और वह देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 6 केंद्रीय मंत्री अलग अलग विधानसभाओं में प्रचार प्रसार करते हुए आज नजर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना, भिंड और ग्वालियर में रैली करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर नर्मदापुरम के रामपुर में, सांची में, उदयपुरा, भोजपुर में रैली करने वाले हैं। पीयूष गोयल इंदौर में बैठक और व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। अनुराग ठाकुर दमोह में नव मतदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, वो कुक्षी, मनावर, बड़वानी में रैली करने वाले हैं। वहीं प्रमोद सावंत हुजूर, हरिहर नगर, पंगा देवास जाएंगे। और चलिए अधिक जानकारी के साथ नीलम लाइव जुट गई है। नीलम, बीजेपी का दिग्गजों का जमावड़ा आज लगने वाला है मध्य प्रदेश में। 6 केंद्रीय मंत्री अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और दौरे करने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण सभी का दौरा। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को वोटिंग हो रही है और 15 नवंबर तक चुनाव प्रचार चलेगा। ऐसे में बीजेपी के जितने तमाम बड़े चेहरे हैं वो मध्य प्रदेश में आकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी आज भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज उनकी 2 जिलों में चुनावी जनसभाएं होने जा रही है। दोपहर 12 बजे सबसे पहले वह सिवनी पहुंचेंगे, जहां पर उनकी एक बड़ी जनसभा जो है होने जा रही है और महाकौशल क्षेत्र और साथ ही आदिवासी वर्ग को साधने के लिए उनकी ये जनसभा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं दोपहर 3 बजे खंडवा में भी उनकी एक बड़ी जनसभा होगी, जहां पर वो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो बीजेपी के 6 केंद्रीय मंत्री, जिनमें मध्य प्रदेश से भी केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा जो दूसरे बड़े चेहरे हैं वो भी आज मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी दौरे करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और फग्गन सिंह कुलस्ते तो अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करेंगे। तो वहीं इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है आज मध्य प्रदेश में रहेंगे, जहां अभी थोड़ी ही देर में वो राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसके बाद जो है देवास में मतदाता सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी जो है आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अगर हम और बात नाम देखें तो गोवा के सीएम जो है प्रमोद सावंत, वो भोपाल की हुजूर विधानसभा में जो है आज जनसभा करने जा रहे हैं। 2 बड़ी जनसभाएं उनकी होने जा रही है, पहली बैरागढ़ में और उसके बाद फंदा में। तो इस तरह से जो है अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वो तमाम बड़े चेहरे जो बीजेपी के माने जाते हैं, उनकी लगातार हम देख रहे हैं कि चुनावी रैलियां निकल रही हैं, जनसभाएं हो रही है, ताकि बीजेपी जो है पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में नजर आए और ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में योजनाओं का प्रचार प्रसार करे। और इसी रणनीति के तहत हम देख रहे हैं कि जो ताबड़तोड़ दौरे हैं स्टार प्रचारकों के वो शुरू हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल नीलम, और जिस तरीके से लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, ऐसे में इसका असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है वो देखना बेहद अहम होगा। अगर पीएम मोदी के आज दौरे की बात करें तो पीएम मोदी भी आज दौरे पर रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उस दौरे को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी आज भी जो है मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इसके पहले कल हमने देखा था कि वो रतलाम के दौरे पर थे और उन्होंने ये दावा भी किया कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बन रही है और इसके अगर बीजेपी सरकार बनेगी तब जो है लड्डू के साथ साथ रतलामी सेब भी खाए जाएंगे। और आज की हम बात करते तो आज भी जो है उनके 2 जिलों में जनसभा होने जा रही है। पहली जनसभा उनकी सिवनी में होंगी, जो कि महाकौशल क्षेत्र का जिला है, और इसके साथ ही आदिवासी बड़ी संख्या में जो है आदिवासी वर्ग के यहाँ पर जो है नागरिक निवास करते हैं। इसके अलावा उनकी जो दूसरी जनसभा है वो खंडवा में होने जा रही है। दोपहर 12 बजे उनकी पहली जनसभा सिवनी में होंगी, जहां पर वो करीब 1 घंटे तक रुकने वाले हैं, और इसके बाद दोपहर 3 बजे दूसरी उनकी जो जनसभा है वो खंडवा में होंगी। तो काफी अहम पीएम मोदी का ये दौरा माना जा रहा है और बीजेपी ने माफ कीजिएगा अगले 15 दिनों के लिए रणनीति तय की गई है कि करीब 15 दौरे पीएम मोदी के मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। कल हमने देखा पहला दौरा जो उनका रतलाम में था, आज उनका सिवनी और खंडवा में, और इसी तरह आने वाले दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में पीएम नरेंद्र मोदी के जो है दौरे भी होने वाले हैं, ताकि पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं जो नजर आ रहा है कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और ये दौरे उस बात को जो है पुष्टि भी कर रहे हैं, जिस तरह से पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे जो है अब देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।